नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुंबई को दहलाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई को एक बार फिर दहलाने की साजिश रची जा रही है। मुंबई में विस्फोट करने की धमकी मुंबई एयरपोर्ट के दो अलग अलग VIP टॉयलेट में लिखी गई थी। यह धमकी ISIS के नाम से दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धमकी के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले भी मुंबई एयरपोर्ट के ही एक टॉयलेट में मुंबई को दहलाने की धमकी लिखी गई थी। उसमें लिखा था कि 10 जनवरी को मुंबई में हमला किया जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि यह धमकी किसी की शरारत थी। किरण बेदी केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार। भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद किरण बेदी ने आज कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वे आम आदमी पार्टी प्रमुख और अन्ना टीम के अपने पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। राजनीति में शामिल नहीं होने के अपने रुख में बदलाव के लिए आपकी आलोचनाओं को खारिज करते हुए बेदी ने कहा कि वे अपनी पसंद तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण उनकी विरक्ति खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी भाजपा में शामिल। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद शाजिया ने कहा कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। न तो मेरी चुनाव लड़ने की कोई मंशा है, न ही किसी को हराने की। मैं भाजपा का हाथ पूरी जिंदगी भर के लिए थाम रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के लिए खड़ी होती है और मोदी के नेतृत्व में यह पार्टी नया संदेश दे रही है। गेल की पाइपलाइन में आग लगी। राजधानी दिल्ली में सामान्य निर्माण कार्य के दौरान गेल की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से इसमें आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना दक्षिण दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके की है। गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक BC त्रिपाठी ने बताया कि दक्षिण दिल्ली में वेंकटेश्वर कॉलेज के पास लगी आग पर काबू पा लिया गया है। घने कोहरे से रेल और हवाई यातायात प्रभावित। दिल्ली में घने कोहरे के कारण आज हवाई एवं रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसके चलते 30 उड़ानें एवं 87 ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। वहीं शहर में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस होने के कारण सुबह काफ़ी ठंड रही। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।